भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सी गई है। आए दिन शहर में जाम की स्थिति बनती जा रही है। एक तरफ जहां शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जाम लग जाता है, जिससे आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, फिर भी शहर में जाम के कारण छोटी बड़ी गाड़ियां रेंगती नजर आती है। वहीं समस्या से निजात पाने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि शहर को जाम से निजात दिलाया जा सके। अब मैं एग्जामिन करा लेता हूं इसको। वैसे आपको बता दें कि कल शाम को मैं जो नगर आयुक्त हैं उनके साथ हम लोग गए भी थे, जो ऊपरी पुल है, और उसके बाद हम लोगों ने भ्रमण भी किया है। कुछ गाड़ियों को हम लोग, जो मेजर गाड़ियां हैं जिसके कारण से शहर का ट्रैफिक कंजेशन होता है, उस ट्रैफिक कंजेशन को हम लोग दूर करने के लिए प्लान बना लिए हैं, और कमिंग फ्राइडे से, जो इस वीक में फ्राइडे से, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरा कि ट्रैफिक को मैंने असेस किया है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक में कुछ इश्यूज हैं जो कि आज से ही हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, तो वो भी हमारा काफ़ी बेटर हो जाएगा। थर्ड है कि कई जगहों पे पोल हैं बिजली के, जिसके कारण से भी कई समस्याएं उत्पन्न होती है। मैंने आज बिजली विभाग के अभियंता को निर्देश दिया है कि वो जाकर इसको सर्वे करेंगे और सर्वे करके हमें आंकड़ा देंगे। उस आंकड़ों के हिसाब से यदि तार को अंडरग्राउंड करना होगा तो हम तार को अंडरग्राउंड करेंगे। यदि हमें लगेगा कि नहीं, कि तार का हाइट बढ़ा देने से और पोल को शिफ्ट करने से हमारी जाम की समस्या खत्म होगी, तो हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। और आज 3:15 में हमने स्पेसिफिक शहर के कंजेशन को दूर करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक बुलाई है, और उस बैठक में निर्णय के आलोक में हम लोग नेक्स्ट वीक से काफ़ी बेहतर व्यवस्था करेंगे। जब मन बना लिया हूँ ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। इस कथन को सही साबित कर दिखाया है बांका पंजवारा की रहने वाली अर्चना कुमारी ने। मूल रूप से बांका पंजवारा के नगरी गांव की रहने वाली अर्चना कुमारी नारी शक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। 9वीं कक्षा में छत से गिरने के कारण अपना आधा शरीर गंवा बैठी, इसके बाद से आज तक वो व्हील चेयर पर है। घटना के बाद शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस पर विराम लग गया था, लेकिन अर्चना ने हिम्मत नहीं हारी, रोजाना प्रैक्टिस जारी रखी और नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप सिलेक्शन हो गया। अर्चना एक के बाद एक मेडल जीत कर आगे बढ़ती गई और नेशनल से लेकर इंटरनेशनल गेम में मेडल जीतती चली गई। शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो जैसे गेम में हिस्सा लेकर अर्चना ने 7 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। चीन की राजधानी बीजिंग और इंडोनेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और मेडल जीत कर लाई। वर्तमान में अर्चना भागलपुर के दिव्यांग जन शक्तिकरण कार्यालय में नौकरी कर रही है। अर्चना के इस हौसले से परिवार और समाज के लोग काफी खुश हैं। मैं छत से गिर गई थी और स्पाइनल इंजरी हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ और मेरे ये घटना घट गई जब मैं पैरालिसिस हो गई हूँ। उसमें 9th क्लास में हम थे। स्थिति कैसी थी घर की? घर की स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त, जैसे कि हमारे किसान परिवार तो जानते ही किस तरह होते हैं, उसी के फैमिली के अनुसार मैं जिंदगी अपना जी रही थी। तो खुश थी, लेकिन अच्छी लाइफ थी तो खुश थी, लेकिन ऐसा होने के बाद मैं बहुत दुखी भी हूँ। और अपने आप में मतलब एक जीने का सहारा बनाया कि मैं खेल को आगे ले आऊँ। हार नहीं माने? जी नहीं, जिंदगी में कभी मैं हार मानना सीखा ही नहीं। फैमिली वालों का कितना सपोर्ट रहा? मेरे फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, मेरे ब्रदर भाई जो है, माँ का, पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। सड़क पर बने बरसों पुरानी जिस सरकारी भवन को जर्जर भवन करार देते हुए नगर निगम प्रशासन ने हादसे के पहले ध्वस्त करने की पहल शुरू कर दी, वहीं ध्वस्त हो रहा भवन नगर निगम प्रशासन की लापरवाही कारण हादसे को निमंत्रण देता दिखाई दे रहा है। मामला भागलपुर की कचहरी चौक से रानी लक्ष्मीबाई चौक के बीच स्थित काफी पुराने नगर निगम के माल गोदाम का है। जर्जर हो रहे भवन को जानलेवा और सड़क चौड़ीकरण करने के रास्ते में बाधक करार देते हुए नगर आयुक्त ने भवन को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा आज जर्जर भवन को ध्वस्त करने की कवायद की जा रही थी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई चौक से होकर भागलपुर कचहरी चौक तक जाने वाली सड़क पर यातायात व्यवस्था आम दिनों की तरह लगातार जारी रही। सड़क पर 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ साथ आम लोग लगातार आवाजाही करते दिखे। इस दौरान नगर निगम का बुलडोजर लगातार भवन को तोड़ता रहा। जिस तरह बिना सड़क पर आवाजाही रोके जर्जर भवन को तोड़ा गया, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता? इस पूरे मामले पर ज्यादा कुछ कहने से बचते हुए भागलपुर नगर निगम के सहायक अभियंता राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना से शहर की सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। यह सरकारी भवन 20 सड़क पर बना हुआ था, इसलिए नगर आयुक्त के आदेश पर इस भवन को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत पुराना जर्जर भवन था, मुख्य पथ पर अवस्थित था। यह RCD का रोड है। लोगों को आवागमन में आने जाने में कठिनाई नहीं हो, तत्कालीन नगर आयुक्त के द्वारा पूर्व में ही इसको डिमोलिशिंग करने का आदेश दे दिया गया था। कार्य प्रारंभ हुआ है और इसको समाप्त करके आगे आवागमन सुगम करने के लिए ही ऐसा काम कराया जा रहा है।
कब तक ये आज आज इसका 100% काम हो जाना है। मलबा भी आज ही हटेगा, उसके संडे होने के कारण आवागमन में थोड़ा मन सुविधा है, इसलिए हम लोग इसको संडे का ही प्रोग्राम बना करके इस स्थिति को अंजाम दे रहे हैं। तो और मलबा जो भी होगा यहाँ से आज ही टर्नओवर होकर के हटा दिया जाए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में आज खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कई विधाओं में सफल खिलाड़ियों को आज प्रशस्ति पत्र एवं ट्रैक सूट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। वहीं खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन, जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, जिला खेल पदाधिकारी जनरायन कुमार व शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी व दर्जनों खिलाड़ी मौजूद थे। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से जो हमारी निर्जम टीम जा रही है हैदराबाद या अहमदाबाद, गुजरात में ये खेल होना है। 13 बच्चे जा रहे हैं इसमें, जिसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य इस आयोजन का ये है कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़े हुए क्षेत्र में खेल को पूरी रूप से प्रोत्साहित करना, गरीब गुरुआ जो बच्चे कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उसको जाने आने का खर्च हो या खेल में जो भी, हम उसको हमारा एसोसिएशन उसको मदद कर पाए, उस बच्चों को इस मेन स्ट्रीम में लाना ताकि उसको ये पता चले कि हमारे अंदर क्षमता है और हम अपना नाम देश में भी कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे, जैसे आप नाथनगर का इलाका ले लीजिए, सबौर का इलाका ले लीजिए, आप जगदीशपुर का इलाका ले लीजिए, नौगछिया इलाका ले लीजिए, तमाम भागलपुर में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ प्रतिभा है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। उनके माता पिता किसान हैं, उनके माता पिता मजदूर हैं, उनको खेलने का जगह नहीं मिल रहा है, वो खेलना चाहता है बट उसको खिलाएगा कौन? तो ये हमारा एसोसिएशन और मेरी ये मंशा है कि वैसे बच्चे जो बिल्कुल सुदूर ग्रामीण इलाके के हैं, जो एकदम पिछड़े हुए हैं, जो बिल्कुल ऐसे कमज़ोर वर्ग से आ रहे हैं जहाँ पे उनको कहीं उनकी पहचान नहीं है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दें, ये एसोसिएशन उनको तैयार करे और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी करना पड़े उस बच्चों को तैयार करने में, ताकि भागलपुर का नाम रोशन करे और रोज़गार और एजुकेशन में आगे बढ़े। बहुत खुश है आज, क्योंकि हम लोग को आज बाहर खेलने के लिए जाने के लिए जेड हसन सर की ओर से, यहाँ के जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से ट्रैक सूट मिला है, और मतलब आगे मेडल वहाँ से जीत के लाने के लिए अहमदाबाद गुजरात मेडल जीत के लाए। हाँ, हम लोग 14 लोग जा रहे हैं। आज जिला एथलीट एसोसिएशन के तरफ से बच्चों जो अहमदाबाद खेलने भागलपुर जिला से जा रहे हैं एथलीट में, उनको प्रोत्साहन के लिए हम लोग बुलाए थे हमारे सम्मानित अध्यक्ष जेड हसन साहब। और ये जो बच्चे हैं हमारे मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के भाइयों का बेटा बेटी है, जिनको कि आर्थिक तरह से बहुत तरह का अभाव है, उस अभाव को दूर करने के लिए, वो बाधाएँ नहीं बने खेल में, इसके लिए एसोसिएशन को सहयोग करिए और प्रोत्साहन देने के लिए आज का कार्यक्रम में कार्यालय में बुलाया गया था। कैंसर दिवस पर लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम एवं मणिपाल फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर एवं डॉक्टर शिल्पी डेंटल क्लिनिक भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में कैंप जेल में कैंसर अवेयरनेस कार्यशाला एवं मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में GHT कोऑर्डिनेटर लॉयन डॉक्टर पंकज टंडन, कारा अधीक्षक मनोज कुमार, कारा सहायक उपाधीक्षक राकेश कुमार सिंह एवं सहायक अधीक्षक मनोज सिंह उपस्थित रहे। कार्यशाला में कैंप जेल के सहकर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ में सहभागिता निभाते हुए अपने
व्यक्तिगत प्रश्नों को भी पूछा और इसके इलाज के बारे में समझा। इस कार्यशाला के केंद्र में कैंसर संबंधित अवेयरनेस, साथ ही संबंधित समस्याएं एवं इन सब समस्याओं से फिजियोथेरेपी चिकित्सा के सहारे आप कैसे निपटे, ये सब बताया गया। साथ ही कार्यशाला में बताया गया कि परहेज ही आने वाली बड़ी बीमारियों से आपकी रक्षा कर सकता है। कार्यशाला में मुख्य रूप से डॉक्टर शिल्पी छापोलिका एवं डॉक्टर प्रणव अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर प्रखंड के बड़ी धनकर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के भागलपुर जिला अध्यक्ष रोजगार प्रकोष्ठ सुमित कुमार के द्वारा एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लगभग 5 पंचायत के सैकड़ों स्त्री पुरुषों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई और मुफ्त दवा ली। इस शिविर में शहर के प्रख्यात डॉक्टर जेपी सिन्हा, डॉक्टर शांतनु कुमार, डॉक्टर मलयराज, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर पीके यादव, डॉक्टर गौरव यादव, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर ओमनाथ भारती मौजूद रहे। मौके पर इस संगठन के बिहार और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन भारत की भागलपुर इकाई के द्वारा ठीक है एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर गरीब एवं असहाय लोगों को निशुल्क जाँच की जा रही है, साथ में निःशुल्क दवा का वितरण किया जा रहा है। जिन लोगों को शुगर और कोई और दिक्कत है उनको भी मुफ्त में जांच की जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर जेपी सिन्हा जो कि सर्जन और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर पंकज कुमार यादव, डॉक्टर मलयराज, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर शांतनु कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर ओमनाथ भारती और डेंटिस्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार। मैं इन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस शिविर को सफल बनाने में हमें सहयोग किया है। और एक और घोषणा मैं करता हूं कि डॉक्टर पंकज कुमार यादव जो जनरल फिजिशियन है, इन्होंने हमें एक सहयोग देते हुए घोषणा की है कि हमारे चिट्ठे पर जो आज देख रहे हैं, अगले एक महीने तक अगर किसी को कोई दिक्कत होती है और वो उनके पास जाते हैं तो वो उनसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, फ्री में उनको देखा जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम सुमित जी को कि ऐसा आयोजन करने के लिए उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम लोगों को आमंत्रण किया। बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं उनका और हम विशेष कुछ रूप क्या बहुत सब अपना अपना व्यक्त कर ही दिए। मैं यही चाहूँगा कि सुमित जी इसी तरह लगे रहें, सफलता तो निश्चित मिलेगी और जहाँ तक भी हो हमारी ज़रूरत हो हम निश्चित शुरू से लेकर अंत तक खड़ा रहेंगे, चाहे 12 बजे रात तक क्यों ना हो। यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है, इतने गरीब रोगियों का कुछ स्वास्थ्य लाभ के बारे में कुछ जो मदद दे पाता हूँ इसको एक खुशी का एहसास होता है ना। बहुत ऐसे मरीज हैं जो कि प्राइवेट पर जा नहीं पाते हैं, उन लोगों को इन लोगों ने बड़ा अच्छा शिविर आयोजन किया है, काफ़ी मरीज हैं और यथासम में भी लोग दवाई भी दे रहे हैं और जहाँ तक होगा हम लोगों ने भी अपनी ओर से कहा है कि अगर इस पुर्जे को लेकर अगर क्लिनिक में भी आएंगे तो एक महीने तक हम लोग बिना किसी चार्ज लिए बिना कोई फीस लिए एक्स्ट्रा। ये झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सचिव प्रभारी भी हैं और ये बिहार के भागलपुर के सुमित जी के द्वारा जो आयोजन हुआ है यहाँ संगठन के सहयोग से बहुत ही बेहतरीन और समाज के हित में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमारे संगठन का उद्देश्य ही है कि जन सेवा। तो और इन्हीं लोग के निमंत्रण पर हम 200 किलोमीटर से आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, इतने लोग आए हुए हैं इनका लाभ उठा रहे हैं और हम आशा करेंगे भविष्य में भी जनहित में हमारे संगठन के द्वारा और बिहार के संगठन के द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे और जनता उनका लाभ उठाएंगे। स्वास्थ्य पे विशेष फोकस सुमित बाबू कर रहे हैं और शिक्षा पे और क्या क्या लक्ष्य क्या क्या है आपके संगठन का, क्या लक्ष्य है, क्या चाहते हैं? मेन उद्देश्य है हम लोगों को जो भारतीय संविधान के तहत जो अधिकार मिला है जी उनको जन जन तक पहुंचाना, उनके संबंध में जागृत करना ही हमारा अवेयरनेस हमारा मेन काम है, उनके साथ जन सेवा करना है, स्वास्थ्य हो, महिला पर हो, एजुकेशन पर हो, सड़क सुरक्षा पर हो, हर एक राज्य में हमें अभी हमारे संगठन अभी 13 राज्य में कार्य कर रहे थे, हर एक राज्य में विभिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहा है। सड़क सुरक्षा पर भी आए दिन जो मौतें हो रही है उस पर भी कार्यक्रम हो रहा है, महिला पर भी कार्यक्रम हो रहा है, बाल विवाह और नशा पान, आपके यहाँ खुशी की बात है आपके यहाँ नशा का बंधन है लेकिन हमारे यहाँ और भी स्टेट में नहीं है, उस पर भी हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि नशा मुक्ति अभियान हम लोग चला रहे हैं।
भागलपुर के जवारीपुर स्थित एक मैदान में भव्य शिवगुरु चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों शिव भक्तों ने हाजिरी लगाई। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन करने को लेकर कार्यकर्ताओं को संस्थान की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को फूल मालाएं और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उतनी लंबी भीड़, उतना बड़ा भीड़, लगभग 1.5 लाख से ऊपर भीड़ थी और एक भी पुलिस का कहीं जरूरत नहीं पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए जितने भी शिव शिष्य परिवार के जितने सहपाठी थे हम लोग, एक विचार मन में आया सबों को कि आज सबों को सम्मानित किया जाए जिन्होंने मेहनत करने का काम। इससे जो हमारे साथी हैं उसका मनोबल भी बढ़ता है और लगता है कि निश्चय ही इस परिवार से जुड़कर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। इसका बहुत सारा नियम कानून कायदा है, उसको आप लोग भी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर हम लोग बाद में बात कर लेंगे उस पर। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य, आज का जो मुख्य उद्देश्य था कि इतने बड़े कार्यक्रम में जो तमाम शिव शिष्य परिवार ने मेहनत करके इसको सफल बनाने का काम किया है, इस अवसर पर सबों को आज जो है पूरी तरह से शुभकामना बधाई देकर उसको सम्मानित करने का काम हम लोग कर रहे हैं।